गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। गुड हाउ आर यू? आई आई एम फाइन एम मैम। फाइन। बेटा आज के सेशन में हम समास पढ़ेंगे। पिछले सेशन में आप लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हाँ बेटा अंश आप बताएंगे उपसर्ग किसे कहते हैं? अंश सर किसे कहते हैं? बुक मत देखिए, बिना देखे ही बताइए। पढ़ने का मतलब वो बिना देखे बताइए आप। मैम जो आगे शब्द जुड़ता है उसे हम उत्तर कहते हैं, जो पीछे शब्द जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहे जाते हैं। और जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसके अर्थ के बदलाव लेते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग कहते हैं कहलाते हैं, दोनों परिभाषाएं उपयुक्त हैं। तो चलिए हम जानकारी लेंगे आज समास के बारे में। समास का मतलब होता है बेटा संक्षिप्त करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करना कह के, यानी कई शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। देखिए आपके बुक में दिया भी गया है, मेरे भाई और बहन आ रहे हैं। तो अब दूसरा है मेरे भाई बहन आ रहे हैं। तो पहले में ये समास संक्षिप्त नहीं किया गया है बल्कि पूरा पूरे शब्द को कहा गया है, लेकिन दूसरे में जो है इसका संक्षिप्त रूप कहा गया, भाई और शब्द का यहाँ लोप हो गया है, हटा दिया गया है। मेरे भाई और बहन और को हटाकर भाई बहन आ रहे हैं, है ना। इस प्रकार जो संक्षिप्त पद बना उसे हम समस्त पद कहते हैं। जो पूरा है वो समास विग्रह है और जो संक्षिप्त हो गया उसे समस्त पद हम कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास कहते हैं शब्दों को दो या दो से अधिक, एक शब्द को तो हम अलग कर नहीं सकते हैं तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों को हम संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। समास चार प्रकार के होते हैं। समास के मुख्य चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद हैं। चार भेद हैं, चार अव्ययी भाव। अव्ययी शब्दों को हम और भी किसी नाम से जानते हैं, किसी को मालूम है, याद है? अविकारी। अविकारी, वेरी गुड। अविकारी शब्द को अव्ययी भाव, अव्ययी शब्द को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। उसी शब्द से अव्ययी भाव समास बना हुआ है। अविकारी का मतलब क्या होता है विरल? अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इसके लिए हमें भिकारी अभिकारी शब्द के बारे में जानना जरूरी है। बताएंगे कोई? अंश बेटा आपकी आवाज कहीं आ नहीं रही है, अभी बताइए। मैम ये शब्द जो लिंग कारक अथवा मैम लिंग का वचन कारक और काल के प्रभाव तो बदलते नहीं मैम, उसे विकारी कहते हैं। और जो शब्द लिंग वचन कारक काल के कारण मैम बदल जाते उसको अविकारी कहते हैं मैम। नहीं बदलते, नहीं नहीं, जो बदलते हैं बेटा वो विकारी शब्द है, और जो नहीं बदलते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं, है ना। जो लिंग वचन कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं, और जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी विकारी शब्द में आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया सर्वनाम चार आती है, ठीक है। और जो चार हैं
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण संबोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार है अभिकारी। ठीक है, तो अभिकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसी अव्यय शब्द से बना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। किसी भी समास में दो पद संक्षिप्त होते हैं ना, कई शब्दों को मिलकर संक्षिप्त होना समास कहलाता है। तो समास में दो पद होते हैं। ठीक है, दो पद का मतलब दो शब्द हो रहेंगे। तो इसमें पहला पद होता है अव्यय और प्रधान भी होता है, इससे बना समस्त पद भी अव्यय होता है। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति का मतलब होता है शर्त के अनुसार, यथा संभव यानी जहां तक संभव हो सके, संभव ना आजीवन यानी जीवन भर के लिए, प्रत्येक एक एक प्रतिदिन दिन दिन है ना, हाथों हाथ हाथी हाथी हम अव्यय भर पेट पेट भर कर पहले पद में बदलने नहीं किया जा सकता क्या बेटा? बोलिए। अव्यय समाप्त के पहले पद में बदलना नहीं किया जा सकता। हाँ, अव्यय शब्द होता है, इसको हम पर बदल नहीं सकते हैं। किसी भी लिंग वचन काल का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में लिखेंगे तब भी वही लिखा जाएगा, चाहे वर्तमान भूतकाल में लिखेंगे तब भी वो चीज लिखा जाएगा, इसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका समझ में आया अव्यय भाव समास, यानी इसका पहला पद अव्यय होता है और प्रधान और भी होता है। ठीक है, मुख्य दूसरा बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सिद्धार्थी, स्पीकर के पास माउथ करके आप बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। तत्पुरुष समास के दूसरे पद प्रधान होता है। हाँ देखिए, तत्पुरुष समास इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जो दो पद हैं इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्त का मतलब होता है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को विभक्त भी तो कहते हैं। आप लोगों ने फिफ्थ क्लास में पढ़ा था ना कारक के बारे में, क्यों है? हाँ, कारक पढ़ाया गया था। हाँ, तो कारक चिन्ह को हम विभक्त भी कहते हैं। तो कारक जो आठ प्रकार के कारक हैं, पता है आपको? Yes, ma'am. है ना, तो उन कारकों का जो चिन्ह होता है, कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं का लोप इसमें होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए परलोकगामी किसको कहते हैं? परलोक, हाँ, परलोक को जाने वाला, तो जाने वाला। परलोक यानी दूसरे लोक को जाने वाला, ना क्या के हम परलोकगामी कह दिए, तो पर दूसरा परलोक नहीं प्रधान है, गामी यानी जाने वाला प्रधान है, व्यक्ति जाएगा ना परलोक, तो मेन चीज में क्या होता है? दूसरा पद होता है जो प्रधान होता है। तो यहाँ को परलोक को जाने वाला, को कर्ता ने कर्म को चिन्ह का लोप हुआ है ना परलोक गामी में। ऐसे ही हस्त लिखित, हाथ से लिखित, यहाँ से चिन्ह का लोप हुआ है। ऐसे ही पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पूजा घर, पूजा के लिए घर, राजपुत्र, राजा का पुत्र। मैम, हाँ बेटा, मैम हिंदी के बुक में क्या कर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हिंदी के बुक में क्या आप पूछ रहे हो मैम? वो कहाँ पे है मैम? शपथ, शपथ आप लोग के बुक में है, जो आप चैप्टर पढ़े हो फोर्थ चैप्टर,
उसी के मजे मजे में वहां दिखा गया है। आप लोग को नहीं मिला है? हमने कहा था ना, तब फिर इनको नहीं मिल रहा है। पेज का एक एक लाइन आपको पढ़ना है, ऐसे थोड़े दिया गया है बुक में। मिला है मैम, मैम बोल रहे हैं समास, मैम समास छह प्रकार के होते हैं। हाँ बेटा, मैम हिंदी के बुक में समास छह प्रकार का है। हाँ हाँ, अभी आपको इसमें पता चलेगा सिर्फ छह प्रकार का है। पहले आप पढ़िए तो बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। चार मुख्य हैं और तत्पुरुष समास से ही दो और बनता है। जैसे आप लोग पढ़े थे उसमें संज्ञा शब्द में तीन मुख्य होते हैं, पहले तीन मुख्य थे ना, जातवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और फिर जातिवाचक से ही दो और बन जाता है, कौन सा? पदार्थ, पदार्थ या द्रव्यवाचक, और दूसरा समूहवाचक। समूहवाचक जातवाचक से ही बन जाता है। ऐसे इसमें भी चार मुख्य हैं, तत्पुरुष से ही कर्मधारय और द्विक समास बना हुआ है। यहाँ देखिए, अभी दिखाई तो इसमें देखिए जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सब में कारक चिन्ह का लोप देख रहे हैं। कारक चिन्ह है ना, के, को, से, का, ये सब कारक का चिन्ह है जिसका लोप हुआ, यानी जो समस पद बनने पर हटा दिया गया है। इतना आप ध्यान रखिएगा, कोई भी शब्द जिसमें कारक का चिन्ह का लोप हो उसको हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है? अब तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, तत्पुरुष के तीन उपभेद हैं, द्विग समास, कर्मधारय समान और नग्न नज समास। देखिए यहाँ शब्द है ना, ये यहाँ में हल चिन्ह भी लगा हुआ है। न्य क्या पढ़ेंगे इसको? न्य द्विग समास, जिस में पहला पद संख्यावाची हो। हाँ बेटा, द्विग समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। सिद्धार्थ, सिद्धात्री, आप पढ़ रहे हो तमाशा कर रहे हो? चलिए, आप कर क्या रहे हो बार बार सिद्धात्री? हाँ? कभी आप अपना लगा रहे हो, कभी डिब्बे बदल रहे हो, पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हो। हाँ? पढ़ने बैठे हो, डिब्बे बदलने बैठे हो। आपको नहीं समझ में आता है कि मैम के सामने? हाँ? अरे शुरू में लगाए थे तो समझ में आ रहा था कि चलो अभी सेशन नहीं चालू है, आपने लगा दिया, हमने देख लिया। अब बीच में आप पढ़ाई छोड़ के डिब्बे बदल रहे हो। वीडियो ऑफ हो गया था। क्यों ऑफ हो गया था? बिना ऑफ किए ऑफ हो गया? मोबाइल क्यों टच कर रहे हो फिर? चलिए ध्यान दीजिए, द्विग समास का पहला पद क्या होता है अंश बेटा? संख्यावाची होता है, ठीक है? द्विग समास का पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौमासा, चौ का मतलब चार, मास का मतलब महीना, चार माह महीनों का समूह चौमासा। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह त्रिकोण। और एग्जांपल बताइए महक, स्पीकर आ। हाँ मैम, चौकोर मैम, चौकोर त्रिकोण। हाँ, उसका विग्रह करके बताइए। हम पांच कोण का समूह, चार चौकोर कह रहे हो तो पांच कोण कहाँ आ गया? पांच कोण का समूह। और नवरात्र क्या होगा? नवरात्रों का समूह, नवरात्र का समूह। समूह त्रिभुवन,
मैम तीन भवन का समूह। मैम तीन भवन का समूह। त्रिलोक। तीन लोगों का समूह। पंचानन। मैम पंचानन। पंच का मतलब पांच, आनंद का मतलब मुख, पांच मुख वाले। ठीक है, इस तरह से यानी पहला कर्म संख्यावाची होता है वहाँ द्विग समास होता है। दूसरा है कर्मधारय तत्पुरुष, द्विग तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष में पहला पद या तो दूसरे पद की विशेषण हो या उपमान हो उसे कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें होता बेटा पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष हो, ठीक है, कर्मधारय विशेषण बतावत है। जैसे पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, जैसे नीली कलम, नीली यानी विशेष शब्द है, कलम विशेष है, नील गगन, चंद्रमुखी, 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 चंद्र विशेषण है और मुख विशेष है क्योंकि मुख की तुलना चंद्र की गई है ना। तो जहां पर किसी उपमान विशेषता बताई जाए यानी विशेषण शब्द का प्रयोग होता है वहां कर्मधारय समास होता है। कमल। तीसरा है नियत तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष में पहला पद ना या अभाव के अर्थ में आए उसे नियत तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अजन्मा न जन्मा, अनचाहा न चाहा, असत्य न सत्य, यानी आगे आने वाला उसका विग्रह करते हैं तो ना शब्द हो जाएगा ना, ना, ना अजन्मा का मतलब होता है जिसने जन्म नहीं लिया है ना, अनचाहा का मतलब जो चाहता नहीं है, तो ना चाहा इसीलिए इसको नन कहा गया है, न समास। तीसरा है द्वंद समास, तत्पुरुष समास में ही द्विग और कर्मधारय आ गए हैं आपके, चार आपका था मेन और फिर तत्पुरुष में ही कर्मधारय द्विग आ गए तो छह समास हो गया कि नहीं हो गया। तो द्विग और कर्मधारय जो होते हैं ये तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं, वैसे हम समास को छह मानते हैं, चार मुख्य हैं और दो और हैं, ये दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए तीसरा समास आपका है द्वंद समास, द्वंद समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, जिसको और चिन्ह के द्वारा हम योजक, और योजक चिन्ह है जिसके द्वारा हम जोड़े रखते हैं, और जब समास पद होता है तो और चिन्ह का लोप होता है। जैसे दिन और रात, ये समस्त पद है, इसको हम जब विग्रह है जब इसको हम समस्त पद बनाते हैं, समास करते हैं, संक्षिप्त करते हैं तो रात दिन लिख देते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह के द्वारा, और को हटा के उसके स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब विग्रह होता है तो और लगा होता है, जब समस्त पद बनता है तो योजक चिन्ह लगा होता है। सुख और दुख, सुख दुख, भाई और बहन, भाई बहन, माता और पिता, माता पिता, है ना, जमीन और आसमान, जमीन आसमान, जमीन और आसमान, ठीक है। अब आ गया आपका बहुव्रीय समास चौथा यानी छठवां। बहुव्रीय समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, जो दो पद हैं दोनों नहीं प्रधान होते हैं, बल्कि दोनों पदों के मिलने से किसी और अर्थ की ओर संकेत होता है, तीसरे पद की ओर संकेत होता है, संकेत का मतलब होता है इशारा, ठीक है। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि दोनों पद जब मिलते हैं तो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे यहाँ दिया है दशानन,
दस मुखों वाला, विग्रह एक तो हुआ, दस मुखों वाला। जब हम दस मुखों वाला कहते हैं तो हमारा हमारे दिमाग में अनावश्यक रावण की तस्वीर आ जाती है ना, उसी को बहादुर के दस मुख उसी के थे, इसीलिए दशानन कहा गया। ऐसे ही एक दंत, एक दांतों वाला, हम इसका नाम जब लेते हैं तो हमारे संकेत किस पे जाता है, एक दंत वाला कौन है? गणेश जी। इसी तरह से चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला कौन है? विष्णु जी है। गोपाल, गाय पालने वाला कृष्णा भगवान। जलज, जल में रहने वाला कमल। ऐसे ही चक्रपाणि, अंश बताइए, चक्रपाणि। क्या होगा बेटा? कौन बताएगा? चक्रपाणि मैम। विष्णु जी। विग्रह कीजिए पहले, चक्रपाणि का विग्रह भी तो कीजिए, जैसे दशानन का है दस मुखों वाला, ऐसे चक्रपाणि का भी तो होगा। अभिराल, अभिराल क्या कर रहे हो? यस मैम, बताइए। कोई बगल में हॉर्न बजा रहा है। बताइए मैम। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हमने बताया दस मुखों वाला, ऐसे चक्र का मतलब चक्र, पाड़ का मतलब हाथ। जब चीजों का अर्थ नहीं आप लोग ध्यान में रखेंगे तो याद कैसे रहेगा? हाथ में चक्र धारण करने वाला, यानी चक्र है हाथ में जिसके, चक्र पाड़, चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु। बीड़ा पाड़, विग्रह कीजिए बीड़ा पाड़ का। मैम जिसके हाथ में बीड़ा हो, हाथ में बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी, सरस्वती, नीलकंठ या चंद्रचूड़। मैम जिसके सर में चंद्र हो। मैम चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ नामक, चंद्रचूड़ किसको कहा गया? शंकर जी को कहा गया है। चंद्रशेखर, चंद्रचूड़ अलग चीज है, चंद्रशेखर अलग है। चंद्रशेखर जिसके शिखर पे चंद्रमा है, अर्थात शंकर जी। और चंद्रचूड़ इसलिए कहा गया है उनको, उन्होंने चंद्रचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। आई बात समझ में? Yes, ma'am. अब देखिए बहुव्रीहि कर्मधारय में अंतर क्या है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा विशेष होता है, और जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। विशेषता दोनों में है, विशेषण सब दोनों का है ना, लेकिन कर्मधारय में पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष होता है, और बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे ओर संकेत करते हैं, तीसरा अर्थ निकलता है इसमें। आप लोग समझ गए ना? जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, और कमल नयन, कमल जैसे नैनो वाला, अर्थात राम। आप इसको
कर्मधार है और प्लीज साहित्य दोनों में आ गया। लेकिन अगर अर्थ को हम दूसरे तरीके से लेंगे तब कमल के समान नयन और कमल नयन, कमल जैसे नैनो वाला अगर करते हैं तो राम कमल नयन कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आप तक जान समास किसे कहते हैं सिद्धार्थी, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए सिद्धार्थी। क्रिया को समास कहते हैं क्या? दो या दो से अधिक शब्द को संक्षिप्त करने प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त शब्द बनाना समास कहलाता है। समास पद किसे कहते हैं विरल मैम? समस्त पद, समस्त मैम जो संक्षिप्त मैम जो संक्षिप्त पद बना वो से मैम उसे समास कहते हैं। जो संक्षिप्त पद को ही समास समस्त पद कहते हैं। विग्रह समास विग्रह किसे कहते हैं प्रिया मैम? समास विग्रह किसे कहते हैं? समास पद को तोड़कर तोड़कर फिर खेलकर समास पद कहते हैं। मैं बताइए Yes, ma'am. तत्पुरुष समास से कितने उपभेद हैं? मैम तीन। कौन कौन से? मैम कर्मधारय नन्य दिगु। हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर चार में पहुंचते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का संबंध किस समास से है? उस समास का नाम लिखिए। रसोई घर, ध्यान देकर बताइएगा। पहले इसको हम बिगड़ा कर आप लोग बिगड़ा कीजिए तो पता चल जाएगा किसके अंतर्गत आएगा। विघटन समास क्या नाम क्या बोले ना जिसको आ जाए जल्दी से हैंड शो कर कीजिए। रसोई घर कौन सा समास है? हैंड शो कीजिए बताइए सिद्धार्थी। धात्री बताइए जल्दी। नहीं अभिलाल, विग्रह क्या होगा पहले आप विग्रह करके बताइए। सोई घर का विग्रह क्या होगा? जब तक आपको विग्रह करना नहीं आएगा तब तक आप समास की पहचान नहीं कर पाओगे। रसोई रसोई के लिए घर बोले बेटा क्या होगा? पुरुष समास। हाँ, रसोई के लिए घर तो के लिए कारक चिन्ह आ गया ना, तो कारक चिन्ह जिसमें होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको बढ़िया से रट डालो दिमाग में बैठा लो तब आप समास की पहचान कर पाओगे। खा है आज जन्म मैम
मैम आजन हाँ मैम तत्पुरुष समास विग्रह क्या होगा मैम जो ना जन्मा मैम जो कभी ना जन्म मैम ना जन्म अजन्मा नहीं है बेटा अजन्मा सब नहीं है आज जन्म है मैम जिसका भी जन्म न हुआ हो मैम जिसका भी जन्म न हुआ हो आज जन्म जीवन भर के लिए मैम जो कभी ना जन्मे क्या होगा अब यह सब नहीं है आजन अब यह सब नहीं है आजन धर्म भ्रष्ट बेटा पहले उसको विग्रह कीजिए धर्म भ्रष्ट क्या होगा अरुण आप भी कुछ रिप्लाई कीजिए अरुण मैम यस मैम बोलिए धर्म भ्रष्ट पथ भ्रष्ट क्या होगा विग्रह क्या होगा अंश मैम सब लोग सोच के बताइए एक लोग कोई नहीं कि एक से कर रही है सब लोग सोच जल्दी बताइए पथ भ्रष्ट किसे कहेंगे धर्म भ्रष्ट का किसे कहेंगे धर्म जो धर्म से भ्रष्ट हो चुका है जिसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है पथ भ्रष्ट जो रास्ता से भटक चुका है तो से अगर आ रहा है यहाँ तो ये कारक का चिन्ह है ना तो जब कारक चिन्ह आ रहा है तब तत्पुरुष समास हो गया पहले विग्रह करो जल्दी से तब उसका बताओ दिन रात मैम दिन और रात कौन समास हो गया मैम मैम द्वंद्व समास दशमुख द्वंद्व मैम दस मुखों वाला मैम दस मुखों वाला दस मुखों वाला मैम बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास वेरी गुड मैम बताओ कर कमल मैम कर्मधार है ठीक है तो इसका विग्रह कैसे कर कमल का विग्रह कैसे करेंगे जल्दी कीजिए कर कमल कमल जैसे हाथ विशेषण शब्द है ना कर विशेष है और कमल विशेषण है ठीक है चलिए यहाँ देखिए निम्नलिखित समास पदों में से द्वंद्व समास के उदाहरण खोजिए और सही का निशान लगाइए दो मिनट और बचा बहुत जल्दी कीजिए इसमें द्वंद्व समास का कौन सा है चारों में से भाई बहन भाई बहन वेरी गुड कीजिए दूसरा में पंचानन गृह प्रवेश भरपेश सुख दुख कौन सा होगा सुख और लिखिए सुख चैन सही है छठवां में आइए निम्नलिखित समस्त पदों का उपयुक्त विग्रह छाट कर उस पर सही निशान लगाइए कमल नयन का विग्रह क्या क्या होगा कमल जैसे नयन कमल नयन कमल जैसे नैनो वाला कमल के नयन क्या होगा कमल जैसे नयन वाला कमल कमल जैसे नयन वाला गंगा यमुना गंगा और यमुना हमने भूल दिया गंगा यमुना का सार मैम गंगा और यमुना गजानन मैम पहले बोल रहा था गज जैसा आनंद गज और आनंद मैम गज भरा मैम गज जैसा आनंद गज जैसा आनंद वाला हाँ आनंद वाला गज जैसा आनंद करेंगे तो धारे होगा और बहुव्रीहि थोड़ी ना होगा
गज जैसे आनंद वाला अर्थात गणेश जी। निम्नलिखित समास पदों करके समास का नाम लिखिए यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार समास का नाम क्या होगा बेटा? शक्ति के अनुसार। मैम वेरी गुड मैम। अव्यय भाव समास। चिकित्सा गृह इसका विग्रह क्या होगा? मैम मैम चिकित्सा के लिए घर। हाँ समास होगा मैम। मैम तत्पुरुष समास। मैम तत्पुरुष समास। राजमहल राजा के लिए महल। माखन चोर राजा का महल राजमहल। मैम तत्पुरुष समास होगा। माखन चुरा अर्थात मैम कृष्ण कृष्ण जी। बेटा रचनात्मक गतिविधियां इसको आप लोग अपने होम पे बढ़िया से पढ़ के कर लीजिए क्योंकि सेशन का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को समझने में? एक बार आप लोग घर पे दोहरा लीजिएगा ठीक है, उसके बाद इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।